बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, मेरा नाम डॉक्टर नसीब उल्लाह काकड़ है। मैंने बोलान मेडिकल कॉलेज से 2006 में MBBS किया और मैंने 2015 में न्यूरो मेडिसिन में FCPS किया। मेरी ट्रेनिंग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से है और फिर FCPS न्यूरो मेडिसिन के बाद मैंने स्ट्रोक में, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी और दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग डिजीज़ है, उसमें मैंने फेलोशिप की है आगा खान यूनिवर्सिटी से। इसमें जो है मैं OPD राउंड्स और उनके अलावा मॉर्निंग के अलावा यहाँ पे प्राइवेट में राहत मेडिकल कम्प्लेक्स में अपनी क्लिनिक करता हूँ। एपिलेप्सी या मिर्गी दिमाग की एक बीमारी है जो पैदाइशी भी हो सकती है और बहुत सारे ऐसी वजूहत होती हैं जिनसे ये एपिलेप्सी बाद में भी किसी इंसान को हो सकती है, किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में। तो इसका 100% क्योर अगर मैं कहूँ तो वो शायद ना हो, लेकिन दवाइयों के साथ ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहते हैं, पेशेंट को दौरे नहीं पड़ते या बहुत साल में कोई एक आध दफ़ा पड़ते हैं, वो भी डिपेंड कि उसने प्रिकॉशंस ना लियो, मेडिसिन ना लियो पेशेंट ने, तो काफ़ी हद तक पेशेंट जो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो हमारे सोसाइटी में इसके बारे में टैबूज़ हैं बहुत ज़्यादा, उसको जो फाइट करने की ज़रूरत है और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और अब एपिलेप्सी के बहुत मॉडर्न टेक्निक से भी एपिलेप्सी सर्जरी भी हो रही है, दिमाग की जिस फोकस से जो है एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्जेस आ रहे हैं उसकी सर्जरी होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं फिट्स पड़ना। और इसके अलावा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बाकी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं जिससे एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट आगे शायद फ्यूचर में बहुत आसान हो जाए। पार्किंसन डिजीज़ दिमाग की एक उम्र के साथ थोड़ा सा रिलेशन है इसका, उम्र के साथ या उम्र के बढ़ने के बगैर। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है चलने में, उठने बैठने में, सारे अपने काम करने में मुश्किल पेश आती है, रेशा होता है मरीज़ को एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में, फिर पूरी बॉडी में, और उसको बैलेंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, बार बार गिरता है पेशेंट, गिरने के फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ इनिशियल स्टेज पे दवाइयों से और बाद में जो है उसके बारे में भी अभी सर्जिकल ऑप्शंस आ गए, तो काफ़ी हद तक 5-10 साल तक 15 साल तक पार्किंसन की डिजीज़ को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, अगर मैं कहता हूँ अगर सिंगल हेडेक भी हो, जब तक वो कोई ऑब्वियस काज उसके सामने आपके ना हो कि इस वजह से मुझे सर में दर्द हुआ, मैं 3 दिनों से सोया नहीं या मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया इसलिए अब मेरे सर में दर्द हो गया, दिस माइट बी यूजुअल। लेकिन उसके बगैर जो है हर सर दर्द, चाहे वो फ्रीक्वेंट ना भी हो, तो उसके बारे में न्यूरो फिजिशियन से मशवरा करना चाहिए। सर दर्द की जो प्राइमरी ब्रेन से जो सर दर्द प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेन अपना जो हमारा माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक जो किस्म की कर रहे हैं, सिर्फ उसकी 40-50 किस्में हेडेक की, जिसको पहले हम दर्द शकीका कहते थे माइग्रेन, उसकी अभी बहुत सारी टाइप्स आ गई, तो उसको क्लासिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा सर दर्द के बारे में न्यूरो फिजिशियन से मशवरा इसलिए ज़रूरी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खुदा न खास्ता ब्रेन में जो इसको, जिसकी एक अलामत है सर दर्द और अंदर जो है बहुत सारी बीमारी, तो इसके बारे में डेफिनेटली जो है न्यूरो फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए और मुआयना करवाना चाहिए। स्ट्रोक में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से, दुनिया भर में इस वक्त सारी कॉजेज ऑफ डेथ जितनी भी हैं, एक्सीडेंट, MI, कैंसर सबको मिला के, तो उसमें नंबर 2 पे जो है स्ट्रोक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, उसके बाद स्ट्रोक से मरते हैं, इस वक्त जो रिसेंट डेटा है, हर साल इसमें एड अप हो रहा है। तो वो लोग माजूर भी हो जाते हैं किसी हद तक अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए, और डेथ के भी इसमें चांसेस होते हैं। तो दोनों एतबार से जो है स्ट्रोक को पहचानना, स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस आगाही और स्ट्रोक को प्रॉपर ट्रीट करना, इस बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया। तो इस बारे में अभी जो जहाँ जिस क्लिनिक में काम करता हूँ, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने काइंडली उनकी वो है मेहरबानी के इमेजिंग, ब्रेन इमेजिंग CT स्कैन MRI फुली अपडेटेड मशीन जो है मैंने इंस्टॉल कर ली, हम पेशेंट की इमेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ICU केयर सेटअप बना रहे हैं जिसमें इंटेंसिव केयर हम स्ट्रोक के पेशेंट की एक्यूट सेटिंग में कर सकें,
जिस वक्त वो हमें पहले दिन जिसको स्ट्रोक हुआ है या दूसरे दिन हमारे पास आता है उसकी इंतहाई निगहदाश्त कर सकें, जिससे इसके सर्वाइवल और इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो यहाँ पे मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं या डिस्प्ले पे जो आपको वेबसाइट पे आ रहा है, तो उस पे हॉस्पिटल का नंबर और मेरे अटेंडेंट का नंबर मौजूद है, उसके बारे में आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं अवेलेबिलिटी और अपॉइंटमेंट के बारे में, और इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम।